दोस्तों इस बार एक अलग जोश के साथ हम लिखने निकले थे एक अलग एडवेंचर की कहानी। ओ यस यस, ओ यस यस। हम निकल पड़े हैं फ्रॉम उत्तराखंड टू हिमाचल प्रदेश। क्या बात है? Yeah, in fact, this is the day we waited since quite long. लगभग 60 किलोमीटर का ये ट्रैक, 7 दिन पहाड़ों में खूबसूरत नजारों के बीच 15,000 फीट की ऊंचाई पे हम करने जा रहे थे रुपिन पास। तो दोस्तों ये कहानी है रुपिन पास की। The sun is up and I know a place we can go. हमारा सफर देहरादून से शुरू हुआ जो कि धौला से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर था। It's not far away, it's not far at all. बड़े बड़े पेड़ों के बीच नदी के रास्ते होते हुए हम पहुंच चुके थे धौला। आज हमारा धौला में होम स्टे है, कल हमारा सेवा में होम स्टे है। नीचे नीचे रह गई है। तो दोस्तों धौला से सेवा तक का सफ़र कुछ 9 किलोमीटर तक का था। भरी धूप में पहाड़ों के बीच से हमें पहुंचना था धौला से सेवा। मेक श्योर योर फुट मार्क्स इज द ओनली थिंग दैट यू लीव ऑन ट्रेल्स। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों ट्रैकिंग का ये पहला ही दिन था। भरी धूप में ट्रैक करने के बाद मनन की तबीयत थोड़ी खराब हो चुकी थी। आगे का सफर और भी लपावने वाला था। मनन ने सोचा कि शायद वो जिसकून से ही लौट जाए। शाम होते होते हम पहुंच चुके थे सेवा। अपन अब सेवा से आगे जाके सीधा जिसकून। अभी इस टाइम हम सेवा में हैं। तो दोस्तों इस बार हम थे सेवा में। सेवा से होते हुए हमें जाना था जिसकून। सेवा वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड ऑल्सो द लास्ट विलेज ऑफ उत्तराखंड। चीटी बराबर है पहाड़ों के बीच में, चीटी। हम यहाँ पे पहाड़ों के बीच में चीटी बराबर है, ऐसा प्रियंका कहना है। दोस्तों डे 2 निकल आया है और हम निकल पड़े हैं फ्रॉम उत्तराखंड टू हिमाचल प्रदेश। अभी जस्ट थोड़ी देर में बॉर्डर क्रॉस होने वाला है। रुपिन पास इज अ क्रॉस ओवर ट्रैक वे वी पास फ्रॉम उत्तराखंड टू हिमाचल प्रदेश। बीच बीच में ब्रेक लेकर पानी की बॉटल भरते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे और फिर निकल पड़ते थे। दोस्तों प्रियंक ने एक बात सही कही थी कि पहाड़ों के बीच हम चींटी बराबर लग रहे थे। अंधेरा होते होते हम पहुंच चुके थे जिसकून। सुबह उठने के बाद जिसकून का नजारा कुछ ऐसा था। बड़े बड़े पहाड़ों और पेड़ों के बीच बसा था जिसकून का ये प्यारा सा। Oh yes! बस इसी जोश के साथ हम निकल पड़े थे जिसकून से शाका की ओर।
लगभग 3 से 4 घंटे में हम पहुंच चुके थे झाका। ट्रैक के पहले वार्म अप और ट्रैक के बाद स्ट्रेचिंग, ये चीज हमने हमेशा फॉलो की। बस उसी के बाद हम निकले झाका का ये प्यारा गांव देखने। का नाम क्या है? काव्या। काव्या। और आपका नाम? अर्जुन। अर्जुन। तो दोस्तों झाका हमारा आखिरी होमस्टे था। पहले हमने आखिरी बार कुछ कॉल किए, सारी बैटरीज चार्ज कर लिए क्योंकि इसके आगे ना नेटवर्क होने वाला था और ना ही बिजली। हम बाकी के बचे 3 दिन टेंट में गुजारने वाले थे। तो तेरे सारे पहाड़ी हो मार राजा जोश जोश। इसी के साथ हम निकल पड़े थे हमारे एक लंबे सफर पे जो कि था लोअर वाटरफॉल। जंगलों में से होते हुए हम पहुंचे नदी किनारे। काफी बढ़िया, क्या कहते हो पीटर? मुझे ऐसा लगता है कि अपन काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। अब हमें जोर से चलना होगा, समझ रहे हो गाइस? दोस्तों नदी किनारे कुछ नजारे ऐसे थे। जंगलों और नदियों को पार करके हम पहाड़ के उस तरफ थे। ये थी दुनिया की सबसे टेस्टी मैगी, जिसे कहा जाता है पहाड़ की मैगी। उसी नदी के किनारे से होते हुए हम पहुंचे थे हमारे आखिरी ढाबे पे। प्रियांक मोटिवेटेड अस जस्ट बाय सेइंग कि दिस इज द लास्ट ढाबा, इसके बाद कोई ढाबा नहीं होगा। भिंडी और रोटी होगी इसके बाद। तो गाइस प्याज के पकौड़े कर रहे हैं मोमोज के साथ, शुरू करते हैं। ऐसे करते हैं अपने जय श्री राम। सामने देखो भाई, सामने जहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत पहाड़। ये देखने के बाद हमारा एक्साइटमेंट रूपिन पास के लिए और भी बढ़ चुका था। में तुम लाए हो ना सर, 5 स्टार नहीं ऊपर देखेंगे तो 1000 स्टार। A1 खाना और खाना देखा। माय पर्सनल फेवरेट भिंडी विद व्यू। शक्ल देखो, वाह वाह, व्यू के साथ भाई 100-200 ज्यादा ले ले, लैंड करा दे। और क्या नहीं, ये लैंड होने नहीं वाला था। इतने प्यारे नजारों के बीच लैंड कैसे करता? दोस्तों हम बैठे थे इन प्यारे नजारों के बीच नदी किनारे हमारा लंच करते हुए, भिंडी की सब्जी और रोटी। बस वहां से कुछ ही देर पे हमारा था पहला कैंपसाइट। सच में हर एक राइट टर्न ले रहे, लेफ्ट टर्न ले रहे और नई सीनरी दिख रही है। एवरी सिंगल मोमेंट देयर वाज समथिंग न्यू टू सी एंड फाइनली वी रीच्ड आवर फर्स्ट कैंप साइट लोअर वाटरफॉल। इसको बोलते हैं लोअर वाटरफॉल, मगर ये है कि नाम जो असली इसका नाम है वो है दंदराश। दंदराश। दोस्तों आज का दिन काफी लंबा रहा,
जंगल से होते हुए नदी के रास्तों से इन खूबसूरत नज़ारों के बीच थके भरे हम पहुंच चुके थे लोअर वाटरफॉल। दोस्तों ये कैंपसाइट काफ़ी प्यारा था, बाजू में बहती हुई नदी की आवाज़, आसपास बड़े बड़े पहाड़, सामने था वाटरफॉल और आसमान में अनगिनत तारे। बस इसी खूबसूरत नज़ारों के पीछे हमने तय किया था रुपिन पास का ये आधा सफ़र। वोक अप विद दिस ब्यूटीफुल वेदर, डांसिंग एंड एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल सनराइज। तो दोस्तों इस बार हम थे लोअर वाटरफॉल पे और हमें जाना था अपर वाटरफॉल तक। ग्लेशियर्स पे से नहीं चल सकता अपन, रिस्की नहीं होगा, आगे देखते क्या होगा। दिल है कि मानता नहीं, टकड़ गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ। यहाँ पे फिसलना वैसे नहीं है, अलाउड नहीं है। दोस्तों ग्लेशियर्स पे से चल के हमने क्रॉस किया ये वाटरफॉल। ऊपर पहुंचते ही नज़ारा और मौसम दोनों ही अलग थे। एक घंटे से ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब वहाँ पे दबादार पास में बर्फ हो रही है। और हम जैसे जाएंगे एक्सपेक्ट गुड नी लेवल बिलो नी लेवल स्नो। वी न्यू दैट टुमारो इज गोइंग टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग डे ऑफ आवर एंटायर ट्रैक। गुड मॉर्निंग 3 बजे उठा है, बारिश हो रही है, ऊपर कोई आइडिया नहीं बारिश होगी बर्फ होगी, पैक्ड एंड लोडेड एस्किमो के जरा। What's up bro? Good morning bro. स्नो तो नहीं बट बारिश हो रही है, मौसम तो खराब है, मौसम हल्का खराब है। But yeah, in fact this is the day we waited since quite long. तो सब लोग ऑलमोस्ट फिट होंगे ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस बार हम निकले थे अपर वाटरफॉल से रुपिन पास की ओर। एक घंटा ट्रैक करने के बाद मौसम साफ नजर आ रहा था, लेकिन हम पहाड़ों पे थे, यहाँ पे मौसम पलक झपकते ही बदल जाता है। One hour down. सामने रुपिन पास है। सामने रुपिन पास था, लेकिन सबके सांसें फूल रही थी। As we were more than 14,000 feet above the sea level. नजारे जितने प्यारे थे, रास्ता उतना ही मुश्किल था। एंड फाइनली हम इस ट्रैक के आखिरी पड़ाव पे थे। दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ आवर एंटायर ट्रैक। हार्ट बीट्स वर गेटिंग फास्ट, वी वर शॉर्ट ऑफ आवर ब्रेथ, बट वी केप्ट मूविंग एंड मोटिवेटिंग ईच अदर। फाइनल वॉक है। हमारा रूपीन पास हो चुका है। एंड फाइनली वी मेड। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। खुशी मिल गई ना? खुशी दिख रही है। ये है खुशी। क्या ब्रो? एक काफी डिफिकल्ट पैच के बाद हम पहुंच चुके थे रूपीन पास। Thank you. Gale ho gaya. Thanks bro. Congratulations bro. Beta very good job. Thank
Congratulations. You are particular. Good luck, good luck. अरे ये तो रो दी यार. The tears are saying it all. But overwhelming. Overwhelming. Looks like steep as fuck. बर्फ थोड़ी थोड़ी गिर रही है. Every single stone, every single pebble shakes. But we made it. We made it. But हमने कर दिया. कुछ नहीं दिख रहा. कुछ भी नहीं दिख रहा. I hope थोड़ा सुबह 3 बजे उठ के कुछ नहीं दिख रहा है. बट ये रूपन पास है. कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. ये रूपन पास है. Forget the view. Come for the emotions. These are the emotions you feel. These are the emotions. When you make it, fuck the view. Emotions. Emotions, dude. Emotions. अरे भाई जी तुम कहाँ हो यार. शक्ल तो दिखाओ. क्या हाल है तुम्हारा. गिरी थी पर कलाकार. उसके साथ तो बैठना पड़ेगा. मैंने बैग नहीं उतारा इधर. बट कलाकार दो शब्द हो जाए. Not the mountain we conquer but ourselves. I am here for this experience, for this push that mentally I have an habit of giving up easily. Mountain just bring me to train for this habit. Fuck emotional wala moment. Chale yaar. All I can say is tum log hai na 10 कदम चलते हो 15 कदम चलते हो फिर पॉज लेते हो फिर 10 कदम चलते हो 15 कदम चलते हो पॉज लेते हो. अपने आप स्टीप आता है. कदम लेस होने लग जाते हैं. एनर्जी नहीं बचती. फिर भी दिमाग से है ना वो पुश डालते रहते हो. देन यू रीच हियर समवेयर एट द पास एंड तक आते हो. नो मनी ऑन द प्लैनेट कैन बाय दिस एक्सपीरियंस. नो मनी ऑन द प्लैनेट. तुम कितने अमीर हो जाओ कुछ भी करो तुम कुछ ये खरीद नहीं सकते. ये महसूस करना होता है. ये महसूस करने ही आया था. फट चुकी है ये. वो टेरी है आईज. बट नथिंग ऑन द प्लान कैन ब्रिंग दिस. क्या बात है कलाकार. अरे अरे रे खुशी खुशी. क्या बोल रहे हैं. कांग्रेचुलेशन गाइस. कांग्रेचुलेशन. सुशांत भाई बोलिए. भाई ने बोला करना है तो करना है. करना है भाई. रुपिन पास 5 दिन बस प्रैक्टिस किया. 5 दिन भाई. हाँ. चले 4 किलोमीटर. हाँ रोज रोज भागता था. मुझे पता चल गया था. जूदानी जाके रियलिटी चेक मिल चुका था. फिर 5 दिन ट्राई किया. हो गया थोड़ा बहुत चल रहे थे. फिर उसके बाद इधर आया. और पूरे सफ़र में यही चल रहा था कि हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए. करना चाहिए नहीं करना चाहिए. करना चाहिए मतलब वो फीलिंग आता है ना कि क्यों क्यों क्यों. और ये इधर आके ऊपर आके पता चल रहा है. मतलब जूम करेंगे ना कैमरा ऐसे तो पता चलेगा वो खुशी के आंसू. अरे अभी का मजा लो जी. बाय भाई. याद है भाई फिर से. ये है. ये बैकबोन था हमारे पूरे ट्रिप का. इसी ने हर एक को संभाला है. जरूरत पड़ने पे लोगों की बैग उठाई है. राहुल सर के साथ. एट दिस मोमेंट आई वॉज नाम. आई कुड सी ईच एंड एवरी वन इमोशनल. ये सब खुशी के आंसू थे. जैसे दिवेश ने कहा था ये पल खरीदे नहीं जा सकते. ये सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं. द माउंटेन हैड शोड एवरी वन द वे ऑफ लाइफ. हम बोले तुम बोले क्या बोले. भाई साहब खुशी देख रहे हो. थैंक यू पारस भाई. तुम्हारे बिना ये कुमल चढ़ती थी. थैंक्स टू कुमल ने बहुत. अरे ये भाई संजीव भाई हमारे मामा जी हमारे. थैंक यू मामा जी. आपके कुमल ने बहुत अच्छा किया. कुमल ने बहुत अच्छा किया. हाँ बहुत अच्छा. दोस्तों हमने रुपिन पास कर लिया था और हम निकल पड़े थे इस ट्रैक के सबसे खूबसूरत कैंप साइट पे जो कि था रॉन्टीगढ़. बर्फ की चादर में खोए हुए सब.
गिरना नहीं, गिरना नहीं। अच्छा मुंह में क्या क्या अंदर क्या रुको ब्रो हेलो उसका मैं बोल चुके बैग ड्रेस अभी गया यहाँ से। दोस्तों हमने 7 दिन इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच गुजारे। लाइक एवरीथिंग फेल्ट लाइक अ ड्रीम। फ्रॉम क्रॉसिंग द स्टेट बॉर्डर्स टू वॉकिंग थ्रू द जंगल, क्रॉसिंग द ग्लेशियर्स, रीचिंग द रुपिन पास एंड फाइनली वी आर हियर एट दिस ब्यूटीफुल ड्रीमी मेडो रॉन्टीगढ़। What's more beautiful than a rainbow in the valley? For us, it was a cherry on the cake. I was grateful and blessed to have these people around me. Without them, this wouldn't have been possible. हमारे समय में आने के आने पे पास करने पे हम आपको वेलकम कर रहे हैं। आइए कल्चर कलाकार चपड़ी बापा ओ या बोले तुम बोले क्या बोले आम तो ये खास पल है बाकी सब तो गुठलिया है। तो दोस्तों ये थी रुबिन पास की कहानी। क्या ये क्या नाम है इसका प्रियंक भाई क्या है इसका नाम सर जी नहीं नहीं क्या नाम है नहीं नहीं आप बता दो उसको क्या जोक ये मैं उठा के तेरे को मारेगा ना तू हंस देगा जोक जोक क्योंकि जोक मारेगा ना ठीक है उसका तो ऐसा बहुत मूड खराब है।